नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कर देंगे, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके माइक सर। माइक नहीं ऑन करना बिल्कुल, ठीक है? चलो भाई। अच्छा देखो, एक शब्द होता है ऑर्गन। जब भी शब्द ऑर्गन का प्रयोग किया जाएगा तब बात होती है टिश्यू लेवल की। जब भी शब्द ऑर्गेनेला या ऑर्गेनेली की बात की जाएगी तब वो होगा मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है? जब भी शब्द ऑर्गन यूज किया जाता है तो ऑर्गन कब यूज किया जाएगा? जैसे हमारी बॉडी है अंग तंत्र, ऑर्गन लेवल सिस्टम है, तो यहाँ पर इसमें टिश्यू भी है तो शब्द ऑर्गन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? और दूसरी जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनेली अगर लिखा है या ऑर्गेनेला अगर लिखा है तो उसको बोला जाता है क्या? मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है? अच्छा, सेल सेंटर क्या कहलाता है? गुड सेंट्रोसोम। भैया लिखते मॉर्निंग चलना। सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भैया लिखते चलना, पेन कॉपी उठा के रखो जल्दी से, बस लिखते चलना। ओके हाँ, दो सर। क्लासेस, हाँ दो क्लासेस लेनी है, 30-30 मिनट की दो क्लास लेंगे, एक ये एक शाम को, रात में मतलब। सेल सेंटर इज सेंट्रोसोम, सेल सेंटर इज सेंट्रोसोम, सेल सेंटर इज सेंट्रोसोम। भैया लिखा, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या था? वेसिकल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड, हाँ वेसिकल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर इन द सेल, वेसिकल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर इन द सेल बराबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं बेटा, इसलिए बहुत सेफ्टी से बहुत समझदारी से लिखना, गलती ना होने पाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। जितनी भी बायो मेम्ब्रेन है वो सब किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। लिखो बेटा, ऑल बायो मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकन, मैनन, दुनिया भर की चीजें आती हैं, पेप्टिडो ग्लाइकन। फॉस्फोलिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, सुनते चलना बस जल्दी जल्दी और नोट करते चलना। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल सैप होता है वो क्या लिविंग होता है? आंसर आता है नॉन लिविंग, तो लिख लो पहले सेल सैप डैश नॉन लिविंग। व्हाइल टोनोप्लास्ट इज लिविंग, सेल सैप इज नॉन लिविंग, व्हाइल टोनोप्लास्ट इज लिविंग। स्टोर हाउस, भैया ये सब कोशिका के बेहतरीन क्वेश्चन है, आप हो सकता है आपको आते भी हो लेकिन कम से कम ये मान के चलो बेटा कि ये सड़े क्वेश्चन है, सड़े इन द सेंस दिमाग नहीं लगाना, रटना है इसको, ठीक है? तो ये हमसे गलत नहीं होने चाहिए। स्टोर हाउस ऑफ वाटर इन ए सेल डैश वैक्यूल, स्टोर हाउस ऑफ वाटर इन ए सेल डैश वैक्यूल। लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल डैश प्रोटोप्लाज्म, लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल डैश प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे भैया उसको? प्रोटोप्लाज्म। अगर नॉन लिविंग पूछते हैं तो सेल सैप हो गया और सेल वॉल हो गया, लिखना हो तो वो भी लिख लो, छोड़ो कुछ नहीं। सेल सैप कॉमा सेल वॉल डैश नॉन लिविंग, जल्दी जल्दी लिखते चलो, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। सेल सैप डैश न्यूट्रल, सेल सैप डैश न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक, सेल सैप डैश न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक। इट कंटेन्स मेटाबोलाइट, इट कंटेन्स मेटाबोलाइट,
इट कंटेन्स मेटाबोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डैश डबल मेम्ब्रेनस, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डैश डबल मेम्ब्रेनस। देखो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर देंगे ना तो कभी जीवन में आप भूलोगे नहीं। पढ़ने का तरीका यही होता है कि हमें जो चीजें कंठस्थ करनी है या हमको पता है कि ये एग्जाम में बार बार आ रही हैं तो हम उनको फैलाएं ना, उनको प्रसारित ना करें, उनको किसी एक जगह इकट्ठा करके लिख दें ताकि जब हम रिवीजन करें तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में एक बार में क्लिक आउट हो जाए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, सेंट्रोसोम राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस, सेंट्रोसोम राइबोसोम ऑन मेम्ब्रेनस, सेंट्रोसोम राइबोसोम, सेंट्रोसोम राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस। ये बता दो स्पीड ज्यादा तो नहीं है, फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर, फास्ट तो नहीं हो रहा है, एकदम सही है ना? ठीक ठीक, हम माइक ऑफ कर रहे हैं, बोलने हम किसी को नहीं देंगे आज। ठीक 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 ठीक, सेंट्रोसोम राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस डैश, अदर देन ऑल फोर या अदर देन दीज, अदर देन दीज ये चार छोड़ दो, अदर देन दीज डैश डैश सिंगल मेम्ब्रेनस। बस आप कभी नहीं भूलोगे, कुछ भी पूछा जाए किसी की, कोई भी मेम्ब्रेन पूछी जाए, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, सेंट्रोसोम राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस एंड क्या था, अदर देन दीज, अदर देन दिस नहीं है, अदर देन दीज है, अदर देन दीज सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा, लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में नहीं पाए जाते, मतलब किसी एक में पाया जाता है तो आंसर हमेशा दोनों लगेगा। ठीक है, वर्टिब्रेट में भी पाए जाते हैं और इनवर्टिब्रेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा छोड़ दो ये सब चीजें, आपको पता है, कोई नई बात नहीं। देखो वैसे आपने पढ़ा तो नहीं है और कभी शायद पूछा भी ना जाए, लेकिन फिर भी हमारा मन है हम आपको बता दें, जैसे हमने लैम्ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटिन क्रोमोसोम पढ़ा, ऐसे दो चीजें और होती हैं, हम जैसे बोल रहे वैसे नोट कर लेना। देखो बेटा, एम क्रोमोसोम, एम क्रोमोसोम, एम क्रोमोसोम, वैसे इसको बोलते हैं मिनिएटा, आप लिख लो एम क्रोमोसोम डैश, किसमें पाया जाता है, स्फैगनम, स्फैगनम, भगवान जाने कभी पूछा जाएगा कि नहीं लेकिन याद कर ले रहे हैं, स्फैगनम। स्फैगनम क्या है, कुछ याद है? स्फैगनम एक ब्रायोफाइट है, मॉस जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक होता है बी क्रोमोसोम जिसको कहते हैं बेसिक क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, बेसिक क्रोमोसोम। भैया अगर लिख लिया हो तो आपको बता दें ये घास में पाया जाता है, ग्रासेस में पाया जाता है। ये पाया जाता है ग्रासेस में, आ गया सामने बैठो, उधर चलो, उधर आओ, उधर पीछे मत जाओ। चलो भैया, ये हम लोगों ने कर लिया। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहते जो प्रोटोप्लाज्म होता है आपको पता है वो जीवंत है, वो लाइव है, तो कहते हैं इसका जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो हम जैसे बोले वैसे लिखना भैया, द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अराउंड, द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अराउंड, द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अराउंड वैक्यूल इज नोन एज सेल साइक्लोसिस, सॉरी इज नोन एज साइक्लोसिस, या सेल साइक्लोसिस भी लिख सकते हो, कोई आफत नहीं, साइक्लोसिस। नेक्स्ट, मेगा क्रोमोसोम फाउंड इन निकोटिना, मेगा क्रोमोसोम फाउंड इन निकोटिना, मेगा क्रोमोसोम इज फाउंड इन निकोटिना। कह रहे फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से कोशिका के अंग भाग लेते हैं, तो जैसे एग्जाम होता है सीपीएमटी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं सीपीएमटी, उसी से बना है सीपीएम,
क्लोरोप्लास्ट परोक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट परोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सी पी एम, क्लोरोप्लास्ट परोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें पाए जाते हैं भैया, या किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में। आगे बढ़ रहे हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, चेक पॉइंट। देखो आपको बताते हैं, नर्व सेल में डिवीजन क्यों नहीं होता। नर्व सेल हमेशा G1 S G2 M, ये आपने पढ़ा है, उसमें एक प्रॉपर फेज आती है, दैट इज इंटरफेज, आपको पता है सारी चीजें एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया। सेल डिवीजन अगर आपको पढ़ने का मन हो, मेरी बात आप गौर करें, अगर आपका सेल डिवीजन, हाँ अगर आपको सेल डिवीजन पढ़ने का मन है सही से, तो आप रमेश गुप्ता में भी ना पढ़ो, एनसीईआरटी में भी ना पढ़ो, पक्का बता रहे, सॉरी रमेश गुप्ता में पढ़ो, मत पढ़ो, एमपी कौशिक में मत पढ़ो, एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो, आपको सेल डिवीजन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका गलत हो जाए, मतलब बहुत और बहुत क्लियर, एक एक चीज बड़ी क्लियर उसमें बताई गई है। ठीक है चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया यही पूछा था कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वह डैश इंटरफेजिक, जो सेल साइकिल चलती है उसमें इंटरफेज में वो रुक जाती है, वहीं पर जाके बैन हो जाती है, रुक जाती है, आगे काम नहीं करती। तो आप इंटरफेजिक सेल डैश नर्व सेल, इंटरफेजिक सेल डैश नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल, सब आपको पता है, कोई नई बात नहीं, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रैकेट में लिख दो, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। विदाउट कौन सा बेटा? सेल वॉल वाला, हाँ सुन लो, कहाँ चला गया, स्मॉलेस्ट सेल डैश प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पी पी एल ओ, ब्रैकेट में लिख दो, विदाउट सेल वॉल। सेल डिवीजन के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, मतलब आपको ये बिल्कुल कंठस्थ रखने हैं, आपको मिस नहीं करने हैं बिल्कुल भी, और इतनी चीजें आपको बता देंगे कि आपको याद करने में समस्या होंगी, मतलब ज्यादा है मटेरियल, इसलिए याद करना जरूरी, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा लीस्ट जनरेटिव सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लीस्ट जनरेटिव सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, आप उत्तर क्या लगाओगे, नर्व सेल, क्या उत्तर लगाओगे, नर्व सेल, और मोस्ट रीजनरेटिव सेल ऑफ द बॉडी आप लगाओगे लीवर सेल। किसी को कोई समस्या, लीवर नहीं लिखेगा तो लिखेगा हिपेटिक सेल, किसी को कोई समस्या, है ना, मोस्ट रीजनरेटिव सेल डैश लीवर सेल, ठीक है बात खत्म हो गई। अच्छा ठीक है भैया, G1S G2M में एक चीज याद रख लेना, कभी कहेगा कौन सी पोस्ट माइटोटिक है, कौन सी पोस्ट मियोसिस है, दुनिया भर की पोस्ट सिंथेटिक, प्री सिंथेटिक, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे थे कि राइबोसोम का निर्माण किस जगह होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम टेक्स प्लेस इन जीवन फेज, भैया एज इट इज बिल्कुल कंठस्थ कर लो, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम अकर्स इन जीवन फेज, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम अकर्स इन जीवन फेज, देखा लिख लिया ना, आगे बढ़े। चलो लिखो रेप्लीकेशन डैश एस फेज, रेप्लीकेशन डैश एस फेज, ट्रांसलेशन डैश G1S G2, G1S G2, G1S G2,
हाँ बेटा, हमने माइक डिसेबल कर रखा है ताकि कोई बोले ना, शोर मचता है ना फिर, सब ज्ञान देने लगते हैं हम ही उल्टा। ठीक है, रेप्लिकेशन एस फेज हो गया, और ट्रांसलेशन में क्या हो गया, G1S G2। अच्छा ये तो आपको पता ही है कि G1S G2 को कंबाइंडली इंटरफेज कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे इंटरफेज में, या इंटरफेज नहीं लिखा है तो लिखा होगा G1 एक ऑप्शन, G2 या S, और चौथे में लिखा होगा ऑल, तो आपका आंसर जाएगा ऑल। ठीक है, किसी को कोई बात कहनी हो तो आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज डिसेबल नहीं किया हमने, मैसेज आप कर सकते हो, माइक डिसेबल है। अच्छा बात करो ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ कहाँ होता है, G1 G2। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, G1 G2। ट्रांसक्रिप्शन G1 G2, G1 G2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भैया। सेल सेल थ्योरी जो थी, याद होगा आपको, सेल लीनियर थ्योरी, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ये क्वेश्चन बार बार यही पूछा था कि ये क्या कहा था और किसने कहा था, आपको अगर याद हो, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये भी नहीं पूछा था क्या कहा था, वो तो लिखित में आता ज्यादातर, लेकिन किसने कहा था, रुडोल्फ वर्चो, VERCHOW, रुडोल्फ, पहले लिख लो चाहे तो, ओमनीस, OMNIS, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला, CELLULA सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला डैश रुडोल्फ वर्चो, VERCHOW। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मेरिस्टमेटिक सेल, मतलब यानी कि कौन सी कॉन्टिन्यूअली डिवाइड ही करती है, मतलब रुकती ही नहीं, यानी कि जिसका कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है, चाहे तो लिख लो, लिख लो कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन डैश, कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन डैश, कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन डैश, कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन डैश, मेरिस्टमेटिक सेल इन प्लांट, मेरिस्टमेटिक सेल इन प्लांट, मेरिस्टमेटिक सेल इन प्लांट एक, दूसरा नंबर, वो एक नंबर था, दूसरा नंबर डालो, बोन मैरो एंड जर्मिनल टिश्यू इन एनिमल, बोन मैरो एंड जर्मिनल टिश्यू इन एनिमल, बोन मैरो एंड जर्मिनल टिश्यू इन एनिमल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछते हैं, कोई भी कोशिका का जो साइज है वो कहाँ पर इंक्रीज होता है, तो भैया इंटरफेज में होता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन पूछा बहुत जाता है, इन इंटरफेज सेल डबल्स इन साइज, इन इंटरफेज सेल डबल्स इन साइज, इन इंटरफेज, इन इंटरफेज, इन इंटरफेज सेल डबल्स इन साइज, इंटरफेस सेल डबल्स इन साइज एंड डुप्लीकेट देयर क्रोमोसोम नंबर, एंड दो फिनोमिना हो गए, एक तो साइज में बढ़ती है प्लस क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम नंबर, वो बात फिर से आ गई जो हमने आपको पहले बताई, नर्व सेल ऑलवेज रिमेन्स इन इंटरफेस, तो वो आपको पता है, वो दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने ना, इन इंटरफेस सेल डबल इन साइज एंड डुप्लीकेट इन क्रोमोसोम नंबर, बात खत्म। जीवन फेज के कितने नाम है, नाम नोट करो सारे, जीवन फेज, जीवन फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, ये सारे नाम है पर्यायवाची समझो, जीवन फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज और गैप फेज, ये चारों नाम याद रखना, गैप फेज, गैप फेज, गैप फेज, जीवन फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज, गैप फेज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या जैसे राइबोसोम जीवन में बन गया, ठीक है,
हाँ, राइबोसोम की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस जीवन फेज में हो गई, तो क्या डीएनए की सिंथेसिस भी हो जाती है? आंसर आएगा नो। तो हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं एज इट इज लिखिए जरा, इन दिस जीवन, इन दिस फेज, ब्रैकेट में जीवन लिख लेना, इन दिस फेज ब्रैकेट में जीवन। भैया हिंदी वाला जीवन तो नहीं लिख रहे हो कुछ लोग? जीवन, लाइफ, ठीक है ना। इन दिस जीवन फेज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। आरएनए, बल्कि एक चीज और करो, आरएनए प्रोटीन एंड राइबोसोम, आरएनए प्रोटीन एंड राइबोसोम सिंथेसिस अकर्स, आरएनए प्रोटीन एंड राइबोसोम सिंथेसिस अकर्स, बट देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस, बट देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस, बट देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस, नो डीएनए सिंथेसिस। भैया लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, कोई मतलब नहीं। सेल डिवीजन होना है कि नहीं होना है, ये कोशिका के किस चक्र में डिसाइड होता है? अगर हम कहें डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, तो डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन डैश जीवन फेज लिख लो भैया। डिवीजन करे कि ना करे, डिवीजन होगा कि नहीं होगा, ये जीवन फेज में निर्धारित किया जाता है। डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन डैश जीवन फेज। अब सुन लो, नोट नहीं करना। जीवन फेज में आने के बाद कोशिका के पास तीन ऑप्शन होते हैं। कॉन्टिन्यू टू साइकिल, मतलब कॉन्टिन्यूटी साइकिल, कॉन्टिन्यूटी अगर हो गई साइकिल की तो फिर बात ही खत्म, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया समझ लो। स्टॉप सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को रोक देना, या फिर एंटर इन जी नॉट फेज। एंटर इन जी नॉट फेज, हम माइक खोल रहे हैं, आप लोग बताने का प्रयास करें ये जी नॉट फेज क्या है। बताओ भाई, व्हाट इज जी नॉट फेज? सर इनएक्टिव फेस होता है। सुप्त अवस्था में हो जाते हैं। हाँ, ऐसे एक एग्जांपल होता ही नहीं, होता ही नहीं। एक एग्जांपल, रेस्टिंग स्टेट। एक एग्जांपल, एक एग्जांपल दे सकते हो उसका कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो जी नॉट पे जाके रुक जाती है? न्यूरॉन, मस्तिष्क, नर्व सेल, नर्व सेल, कार्डियक सेल होती है सर। कार्डियक सेल, और शाबाश, और प्लांट में, प्लांट में, प्लांट में नहीं पता। परमानेंट, परमानेंट सेल नहीं तो, परमानेंट सेल कौन सी? चलो हम बता दे रहे हैं, ठीक है भैया। तीनों तीनों नोट कर लेना अगर, हाँ कह सकते हो। क्लेरिन गैमा, हाँ स्क्लेरिन गैमा, ठीक है स्क्लेरिन गैमा। और आप लोगों ने, यस सर, हाँ ये तो आपने परमानेंट टिश्यू का नाम बता दिया। अगर हम ऑर्गन बेस पे पूछे तो आप कहोगे बेटा रूट कैप, ठीक है, क्या बोलोगे? हाँ रूट कैप, माइक ऑफ कर रहे हैं, रूट कैप याद रखना, ठीक है। सेल साइकिल में रजिस्टर, ठीक है, ह्यूमन फेज, ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ भैया आगे नोट कर, हम लोगों ने जीवन के जितने सवाल थे सब कवर कर लिए। अब आ जाओ एस फेज, एस फेज जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लेना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू, नया न्यूक्लियोसोम अकर्स इन एस फेज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम अकर्स इन एस फेज, पहला प्रश्न। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अकर्स इन एस फेज। भैया बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मजाक में हल्के लेने का मतलब नहीं है कोई। फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम अकर्स इन एस फेज, दूसरा प्रश्न या दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अकर्स इन एस फेज। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भैया हेडिंग डाल दो छोटी सी, जी टू फेज। जीवन हो गया, फिर उसके बाद एस हो गया, अब जी टू, जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं बस वही, हम फैक्चुअल पढ़ रहे हैं बिल्कुल। जी टू लिखो बेटा बड़ा बड़ा, ड्यूरिंग जी टू फेज, ड्यूरिंग जी टू फेज
ड्यूरिंग, अच्छा एक बात और, G2 फेज को प्री माइटोटिक भी कहते हैं। ये शब्दावलियां अगर बदल दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है आपकी कि आप घबराएंगे नहीं, आप क्वेश्चन कर लेंगे। G2 को प्री माइटोटिक भी कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज स्पिंडल प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस। स्पिंडल प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड पेन से या ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा लिखो। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल अकर्स इन G2 फेज। G2 फेज का काम खत्म। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल अकर्स इन G2 फेज। नाउ फाइनली M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। हेडिंग डाल दो, M फेज माइटोटिक फेज। M फेज माइटोटिक फेज। इसका सबसे पुराना, सबसे सड़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल M फेज। सेल साइकिल कोशिका चक्र का सबसे छोटा या सबसे कम समय लेने वाला जो अवस्था है, फेज है, वो क्या कहलाता है? M फेज स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल M फेज। अच्छा देखो, ये तो सेल साइकिल आ गई। एक और प्रश्न पूछा जाता था, नाभिकीय विभाजन के लिए अगर हम बात करें, यानी कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियस है उसके टूटने की बात करें, और उसकी अगर स्मॉलेस्ट पूछी जाए, यानी कि जब कोई नाभिक, जब कोई न्यूक्लियस विभाजित होता है, उसमें सबसे छोटी अवस्था क्या होती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस की सबसे छोटी अवस्था क्या होती है, तो उत्तर आएगा एनाफेज। लिख लो भैया, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज एनाफेज। स्मॉलेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज एनाफेज। अच्छा लॉन्गेस्ट बता दो, लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी, सब जानते हैं, प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस की बड़ी अवस्था या सबसे ज्यादा समय लेने वाली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, PROPHASE, प्रोफेज। ठीक है, माइटोसिस के दो स्टेप, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। एक मिनट रुको, माइक खोल दे जरा, बात कर ले थोड़ी सी आप लोगों से। हाँ बेटा देखो, माइटोसिस की कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं, कौन कौन सी? साइटोकाइनेसिस। हाँ ठीक। अच्छा ये बताओ, पहले साइटोकाइनेसिस होगा कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा? कैरियोकाइनेसिस होता है सर। पहले नाभिक, याद करो भैया, अमीबा टूटता है तो पहले नाभिक टूटता है ना, कभी भी पहले, देखो मेन चीज ब्रेन होता है ना, अगर कोशिका में साइटोकाइनेसिस पहले होने लगा, कैरियो बाद में, कोशिका बेकार हो जाएगी, मान लो न्यूक्लियस न जा पाया तो वो तो साइटोप्लाज्म का एक गुच्छा रह गया, वो डेड हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मेन चीज क्या है? ब्रेन मतलब न्यूक्लियस, बात समझो। तो लिखो भैया, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। माइक ऑफ कर लो। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी फॉलोड बाय का मतलब पीछा करना, तो पीछा कौन कर रहा है? साइटोकाइनेसिस। पहले किसका विभाजन होगा? नाभिक का। फिर क्या होगा? कोशिका विभाजन। हिंदी वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पहले नाभिक विभाजन, नाभिकीय विभाजन, फिर कोशिका विभाजन, खत्म बात। बस ठीक है, छोड़ दो ये सब काम, खत्म। भैया जैसे बोलने वैसे लिखना। लिखो बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ फेज।
जैसा बोलने वैसा ही लिखेंगे, ऐसा ही प्रश्न मिलेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ फेज या फेजेस, सबसे पहले लिखो प्रोफेज, प्रोफेज मतलब प्रोफेज सबसे बड़ी हो गई, बात समझ रहे हो। अब देखो हम लोग वो नहीं बनाते थे ग्रेटर देन स्मॉलर देन बनाते थे, तो प्रोफेज की तरफ मुंह खोल दो, वी वी बनता है वी, ऐसे करके वो बना दो, तो वो सबसे बड़ी फेज हो गई। फिर उसके बाद अगर सेकंड बिग अगर पूछी जाए, सेकंड लार्जेस्ट फेज पूछी जाए, तो भैया टीलो फेज, टीलो फेज, और टीलो फेज के बाद हो गई आपकी मेटा फेज और फिर एना फेज, वो बनाते चलना ऐसे ऐसे मुंह खुला वाला ग्रेटर देन, यानी कि प्रोफेज ग्रेटर देन टीलो फेज, टीलो फेज ग्रेटर देन मेटा फेज और मेटा फेज ग्रेटर देन एना फेज, एंड स्मॉलेस्ट फेज इज एना फेज, लार्जेस्ट फेज इज प्रोफेज। किसी को कोई समस्या मैसेज में लिख के बताएं, किसी को कोई समस्या थोड़ा जल्दी कर रहे, लेकिन जल्दी करने का कारण है क्योंकि कल क्लास ली नहीं, आज ज्यादा मटीरियल है, ठीक है ना, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत समझ लो बेटा, ये क्लास जो है ना ये रामबाण क्लास है, इसमें हम लोगों ने सेल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर डाले जो बहुत पूछे जाते थे, और सेल डिवीजन के ये जो क्वेश्चन है ना ये हर जगह आप फंसोगे, कौन सी बड़ी साइकिल कौन सी छोटी साइकिल, जी1 को क्या कहते हैं, जी2 को क्या कहते हैं, इंटरफेस क्या होता है, जी0 क्या होता है, कौन सी सेल डिवाइड होती है, कौन सी सेल डिवाइड नहीं होकर रुक जाती है इंटरफेस पे, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलो भैया हम लोगों ने ये सब निपटा लिया भैया, हाँ बस बात खत्म, टाइम भी अपना खत्म ही है, लगभग 10:28 हो गए, 2 मिनट है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, डैश सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप समझ लो, सिक्रीटरी, सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दूसरी बात लिखो, जब भी कोई सेल वॉल बनती है तो सबसे पहले क्या बनता है, आपको जानकारी है, सबसे पहले बनती है इक्वेटोरियल प्लेट। भैया ध्यान से सुनिएगा, जब भी सेल वॉल का निर्माण होता है, जब भी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, तो सबसे पहले बनती है इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट में, हाँ पहले लिख लिया आपने इक्वेटोरियल प्लेट, एरो बनाओ फिर लिखो सेल प्लेट, इक्वेटोरियल के बाद लिखो सेल प्लेट, सेल प्लेट, फिर एरो बनाओ लिखो फ्रेगमोप्लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्रेगमोप्लास्ट, सेल वॉल फॉर्मेशन कोई पढ़ाते ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फ्रेगमोप्लास्ट, सेल प्लेट से फ्रेगमोप्लास्ट बनने में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जुड़ जाते हैं, चाहो तो एरो के ऊपर लिख लेना, सेल प्लेट से फ्रेगमोप्लास्ट बनने में कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों तत्व आयन के रूप में जुड़ जाते हैं, भैया लिख लिया होगा, बस लास्ट में लिख दो मिडिल लैमिला, पता है आपको, पढ़ा है आपने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, लास्ट में लिख दो मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, हाँ सेल फरो बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है, दैट इज मिडिल लैमिला, बात खत्म। अब केवल 2 क्वेश्चन छोटे छोटे, जल्दी जल्दी लिख डालो, किसी कोशिका का, किसी कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है, सेल वॉल को, सेल वॉल के क्वेश्चन है ये, कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशा भित्ति, स्केलेटन ऑफ द सेल इज सेल वॉल,
अब एक प्रश्न हम आपसे अंतिम पूछते हैं, प्रश्न आपको बताना है साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल क्या होता है, देखें कौन बता पाता है। हमने माइक खोल दिया है, बता दीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर। हाँ, आप जिन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल बताया है उनको हम ये बताना चाहेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल की बेस्ट फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल आंसर सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं लगाना है, क्या लगाना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बता। तो साइटोस्केलेटन। हाँ, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भैया, पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं ना, ठीक, बस बात खत्म। कितने क्वेश्चन होंगे लगभग, अंदाजे से बताओ बेटा। सर 38। 38। मनोज जी आपके कितने हुए, ज्यादा तो नहीं होंगे? सर मेरा छूट गया था कुछ। सर मुझे जो आ रहे थे वो मैंने लिखे नहीं है इसलिए। हाँ, ये भी बात अच्छी बात है। एक अंदर जिसने पूरा लिखा हो वो बताए बेटा लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 40 से ऊपर देखना पड़ता है ना इसमें। 40 से ऊपर है ना? तब 46। चलो लगभग लगभग ही मान ले, 50 कह रहा हूँ ना। ठीक है, एक प्रश्न लिख, एक प्रश्न अंतिम में लिखना चाहो लिख लो। सेल वॉल इनिशिएशन, सेल वॉल इनिशिएशन, सेल वॉल इनिशिएशन, ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। गजब के क्वेश्चन है बेटा ये सब। आपने अगर पढ़ाई की होगी तो आपको खुद भी ये बात समझ में आ रही होगी, यहीं पे लोग फंसते हैं बहुत ज्यादा। सेल वॉल इनिशिएशन, और पता है आप पूरा अनसॉल्व उठा डालो, यूथ पूथ जिनिया भर के जितने अनसॉल्व कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये सब। और मिलेंगे तो जहाँ कहीं एना फेज लिखा होगा, कहीं टीलो फेज लिखा होगा। एक क्वेश्चन तीन बार होता है तो यूथ में तीनों बार अलग अलग आंसर दिया होता है। ठीक है, सेल वॉल इनिशिएशन, ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। मनोज जी याद है सेल वॉल के? हाँ बताइए कौन सी फेज में? सर मेटाफेज में, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। मेटाफेज, हाँ, इक्वेटोरियल प्लेट का लगना सेल वॉल में बनने की जो पहली प्रक्रिया है, इक्वेटोरियल प्लेट का लगना सेटलमेंट, वो इक्वेटोरियल का प्लेट का लगना जो है वो मेटाफेज में होता है। ठीक है, बस बात खत्म। थैंक यू सो मच। हाँ।